हेलो दोस्तों, धनबाद शोरूम में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं महिंद्रा सुप्रो मिनी ट्रक के बारे में। इसकी जो है शोरूम की प्राइस क्या पड़ती है, कम से कम डाउन पेमेंट देकर के आप इस गाड़ी को आसानी से अपने घर ले जा सकते हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक बना रहिए हमारे साथ। हाँ, पहले आपको बताएंगे इंजन के बारे में, फिर बताएंगे इसका डाउन पेमेंट और पर मंथ कितना किस्ती पड़ेगा। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर लीजिए, ताकि इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। चलिए जान लेते हैं पहले इसके इंजन के बारे में, फिर जानेंगे डाउन पेमेंट और पर मंथ। इसमें जो इंजन दिया गया है आपका 909 cc का इंजन दिया गया है, BX6 इंजन है। इसमें जो सिलेंडर की जो संख्या है वो आपको 2 दिया गया है, और इसमें जो आपको पावर मिलेगा वो आपको 26 HP का पावर मिलेगा, जो कि RPM में देखा जाए तो 3600 RPM का इसमें आपको पावर मिलेगा। इसकी टोर्क्यू की बात करें तो आपको 58 Nm का टोर्क्यू मिलेगा, जो कि 1200 से लेकर के 3000 RPM तक आता है। ये आपका क्लच दिया गया है, आपका सिंगल प्लेट ड्राई क्लच दिया गया है, यानी कि क्लच यार बहुत बेस्ट दिया गया है। इसका टर्न और पिकअप बहुत अच्छा होने वाला है, ज़बरदस्त होने वाला है। इसकी ट्रांसमिशन की बात करें तो ट्रांसमिशन आपका मैनुअल है। मैनुअल मतलब होता है कि गियर जो है इसमें ऑटोमेटिक का सिस्टम नहीं दिया गया, आपको हाथ से देना पड़ेगा। इसमें 4 speed + 1 reverse head, यानी कि 4 gear आगे लगेगा, 1 gear आपका पीछे लगेगा, जिसको हम लोग बाइक गियर बोलते हैं। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो आपको 30 liter डीजल टैंक में इसकी टंकी फुल हो जाती है, और जो इसकी जो माइलेज देगा आपको 20 km/L, यानी कि 1 liter में ये गाड़ी 20 km आसानी से सफ़र करता है। और इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है 1 घंटे में ये 70 km का सफ़र आसानी से तय कर सकता है। इसकी हम पेलोड कैपेसिटी की बात करें तो इसके 900 kg तक का आप इसमें सामान जो है आसानी से लोड कर सकते हैं। और इसकी बॉडी की जो लंबाई की बात करें तो वो आपको 7 feet 5 inches की बॉडी की लंबाई है, और इसकी चौड़ाई की बोले तो आपको 5 feet 5 inches इसकी चौड़ाई मिल जाएगी। इसमें आपको मिलता है वारंटी 3 years या फिर 80,000 km, यानी कि 3 साल के अंदर अगर 80,000 km आपकी गाड़ी नहीं चली है तो आपका गाड़ी में जो भी फॉल्ट होता है, यानी कि इंजन गियर और डिफरेंशियल में जो कुछ भी तरह का प्रॉब्लम्स होता है तो आपको कंपनी रिपेयर करके देगी या चेंज करके देगा। वो आपको घर से या पैकेट से 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं, वो आपकी कंपनी समझेगी। आपका सर्विस जो इन्वेटेड है आपको 10,000 km इंजन ऑयल डीजल फिल्टर मोबिल फिल्टर या आपको चेंज कर लेना, यानी कि इंजन ऑयल मोबिल फिल्टर डीजल फिल्टर या आपको 10,000 km में हर 10,000 km आपको चेंज कर लेनी है। और इसमें 3 servicing जो आपको फ्री मिलता है। एडिशनल में आपको मिलता है मल्टी ड्राइव मोड, ठीक है। पावर स्टेयरिंग आपको नहीं मिलेगा, इसमें मैनुअल है। आपको मोबाइल चार्जिंग पॉइंट मिलेगा, यानी डैशबोर्ड में आप मोबाइल चार्ज करने का इसमें सुविधा दिया गया है। बोतल होल्डर दिया गया है, पानी पीने के साथ एक बोतल रखने के लिए होल्डर दिया गया है गेट के पास, वो आप रख सकते हैं। और इसमें आपको एयर कंडीशनर AC मिलेगा, यानी कि आप इसमें AC भी लगा हुआ आता है, AC भी आता है और नॉन AC भी, दोनों भी आप ले सकते हैं, ठीक है। इसकी जो AC का जो प्राइस है वो आपको शोरूम की कीमत पड़ जाएगा 6,10,000। इसमें एयर कंडीशनर AC लगा हुआ आएगा 6,10,000 रुपये। इसमें आपको RTO खर्चा भी लगेगा, जो कि आपको RTO खर्चा और इंश्योरेंस सारा चीज़ मिला करके ऑन रोड ये गाड़ी पड़ेगा, यानी कि शोरूम की कीमत RTO खर्चा इंश्योरेंस सारा चीज़ मिला करके ये गाड़ी आपको पड़ेगा 6,70,000 रुपये में, ठीक है। कम से कम आपको डाउन पेमेंट देना होगा 2,70,000 रुपये कम से कम आपको डाउन पेमेंट देना होगा। तो आपका जो लोन अमाउंट बनेगा वो आपको 4 लाख का लोन अमाउंट बनेगा। जो आपको इंटरेस्ट लगेगा वो आपको 10.5% का इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि 10.5% का आपका इंटरेस्ट लगेगा। अगर आप किस्ती करवाते हैं 2 साल के लिए, 2 साल में होता है 24 महीना, तो आपको 18,550 रुपये करके आपको पर मंथ देना होगा 24 महीने तक। अगर आप कराते हैं 3 साल के लिए किस्ती, 3 साल में होता है 36 महीना, तो आपको 13,001 रुपये करके आपको पर मंथ देना होगा 36 महीने तक। अगर आप किस्ती करवाते हैं 4 साल के लिए, 4 साल में होता है 48 महीना, तो आपको 10,241 रुपये करके आपको पर मंथ देना होगा 48 महीने तक। तो अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे ब्लैक कलर के बटन होगा उसको तब सब्सक्राइब कर लीजिए, जिन्होंने लाइक नहीं किया वो लाइक कर लीजिए, ताकि इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय।